आपका जॉब क्या है? क्या आप अपने सैलरी से खुश हैं? और इसीलिए आज हम कुछ ऐसे जॉब्स ढूंढ कर निकाले हैं जो इजी होने के साथ साथ आपको एक अच्छी सैलरी भी देते हैं। तो आज का हमारा वीडियो है टॉप मोस्ट अनयूजुअल जॉब्स दैट पे सरप्राइजिंगली हाई। और दोस्तों, अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्क ए गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइफ मैनीक्वीन, ये प्रोबेबली बहुत बोरिंग जॉब होता है। इसमें आपको कुछ घंटे डिजाइनर और लेटेस्ट ट्रेंडी आउटफिट पहनकर खड़े रहना होता है। ये मैनीक्वीन जॉब जो आपको अजीब साउंड कर रहा होगा, बट लाइव मॉडल्स टेक्निक ज्यादातर बहुत सारे कस्टमर्स लाते हैं प्लास्टिक मॉडल्स की जगह। ये जॉब कोई भी इंसान नहीं कर सकता। यहाँ पर एक इंसान को एक ही जगह कुछ घंटों तक बिना हिले खड़े रहना होता है। और ये जितना हार्ड ये जॉब, उतना ही अच्छा ये जॉब में पे भी मिलता है। लाइव मैनीक्वींस का अर्ली पे लगभग $100 के आसपास होता है। आइसक्रीम टेस्टर, ये जॉब ज्यादातर आइसक्रीम लवर्स के लिए ड्रीम जॉब होती है। जबकि कोई भी आइसक्रीम टेस्ट करके बता सकता है कि वो आइसक्रीम टेस्टी है कि नहीं, पर फिर भी ये काम सिर्फ एक फूड साइंटिस्ट ही कर सकता है। एक फूड साइंटिस्ट आइसक्रीम को उसके टेस्ट, कलर, फ्लेवर, स्मेल, टेक्सचर और उसके अपीयरेंस के बेस पर जज करता है। कभी कभी साइंटिस्ट न्यू इन्वेंशन भी करते हैं आइसक्रीम फ्लेवर्स के, तो उन टेस्टर को ये न्यू फ्लेवर्स भी टेस्ट करने होते हैं। आइसक्रीम टेस्टर में आपको लगभग $100,000 एवरी ईयर मिल सकता है। डॉग फूड टेस्टर, ये नाम सुनकर आपको कुछ अजीब साउंड कर रहा होगा, पर क्या आप जानते हो कि इस जॉब से आपको $100,000 पर ईयर से भी ज्यादा मिल सकता है। आपको सिर्फ चेक करना है डॉग फूड का फ्लेवर, टेक्सचर और कंसिस्टेंसी। आप चाहे तो डॉग फूड को बाद में थूक भी सकते हैं और दूसरा फ्लेवर टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये पता चल गया कि किस तरीके से आप एक पेट फूड टेस्टर बन सकते हैं, तो इसका मतलब कि आपके पास गोल्डन माइंड मिल गई। पेपर टॉवल स्निफर, अगर आपको अलग अलग स्मेल्स स्मेल करना पसंद है, तो आप जानते हैं कि ये स्मेल मेनिया की वजह से आप $52,000 एनुअली अर्न कर सकते हैं एक ऑर्डर जज करने के जॉब से। सिर्फ आपका काम होता है चेक करना कि पेपर टॉवल में बास है कि नहीं, बिफोर वो कोई भी चीज को क्लीन करने से पहले और क्लीन करने के बाद इसमें भी अभी बास है कि नहीं। बेड टेस्टर, क्या आपको नहीं लगता कि ऑफिस या जॉब क्विट कर दे जब आप गहरी नींद में हो और सुबह सुबह अलार्म बजे और फिर आप अपने बेड में वापस सो जाए, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई ऐसा समझ ही लो। अगर आपको बेड टेस्टर की पोजीशन मिल गई, तो बेड टेस्टर को सिर्फ न्यूली डिजाइन बेड्स पर सोकर उस पर रिव्यू देना होता है, जिसके लिए उन्हें $24,000 से $67,000 पर ईयर भी मिल सकता है। नेटफ्लिक्स वॉचर, सोचिए अगर आपको पूरे दिन टीवी या मूवीज देखने के पैसे दिए जाए तो। जी हाँ, एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसे सिर्फ नेटफ्लिक्स पर सारे शोज, मूवी, सीरियल्स देखने के पैसे मिलते हैं। उस एम्प्लॉय का रोल होता है नॉर्मल कोई भी मूवी, शो या सीरियल नेटफ्लिक्स पर अपलोड होने से पहले रिव्यू देना और असाइन करना कि हर एक प्रोग्राम को एक करेक्ट टैग से, जो व्यूअर्स को हेल्प करता है फाइंड करने में एग्जैक्ट जॉनर, चाहे वो रोमांस हो या फिर एक्शन थ्रिलर। वाटर स्लाइड टेस्टर, अगर आप वाटर स्लाइड टेस्टर बनना चाहते हैं, तो आपको बड़े ट्रैवल कंपनीज और होटल चेन अम्यूजमेंट पार्क्स में काम करना पड़ेगा और फिर आपका टास्क बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा। वाटर स्लाइड सेफ और मजेदार है कि नहीं, ये चेक करना होगा। अम्यूजमेंट पार्क्स के अंदर काम करने वाले लोगों को कहते हैं कि आप आराम से $17,000 टू $56,000 तक कमा सकते हैं। प्रोफेशनल स्नगलर, अगर आप दूसरों का दुख दर्द समझ सकते हो, तो आपके लिए ये जॉब परफेक्ट है। इस जॉब में आपको सिर्फ क्लाइंट की बातों को सुनना होता है और उनके सैडनेस में जस्ट सलाह देना होता है। यहाँ पर ज्यादातर तो रूल्स होते हैं कि कोई भी स्किनशिप नहीं होता और नहीं कभी भी अपने क्लाइंट से ऑफ वर्क कॉन्टेक्ट करना है। द स्नगल बडीज करंटली मेल्स और फीमेल्स को हायर करते हैं, जिसमें पर डे आपको $40 या $45 तक मिल सकता है और ऊपर से टिप अलग। ये जॉब से आप $80,000 या $90,000 कमा सकते हैं, वो भी साल भर में। पैसों के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, और वैसे भी दुनिया में बहुत सारे और जॉब्स हैं, जैसे कि स्मेलिंग पेपर टॉवल से लेकर स्नगलिंग पीपल तक, बट ये काम करने के लिए एम्प्लॉयज को अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। जैसे कि जितना और काम होगा उतना ही ज्यादा हाई सैलरी होगा। और अगर आपके पास भी इससे जुड़ी और भी कुछ जानकारी है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। तो अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।